हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड थर्ड में ईवीएस का जो वर्कबुक सॉल्यूशन था हमारा यूनिट 3 वाटर को वाटर की जो वर्कबुक वर्कबुक के अंदर हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। अब नेक्स्ट हम आगे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से बात करेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 11 की आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, ब्रीफ में हमें आंसर देना है। अब नोट दी हुई है कि क्या नोट है, स्टूडेंट्स नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वाटर फैसिलिटी अवेलेबल इन देयर विलेज और हाउस, जो आपके गांव में या फिर जो कहा घर के अंदर विलेज की जो फैसिलिटी है, सॉरी वाटर की जो पानी की जो फैसिलिटी है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है क्वेश्चन के एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम, आपके घर के अंदर पानी कहाँ से आता है। तो अभी के जो माहौल है वहाँ पर हमारे घर में पानी जो ग्राम पंचायत के थ्रू जो एक टैप हमारे घर में लगाया है तो उसके हिसाब से पानी आता है, तो हम उसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे। हाँ तो बच्चों, इसका आंसर मैंने लिख दिया है यहाँ पर है कि द ग्राम पंचायत ऑफ अवर विलेज है, जो हमारे गांव की जो ग्राम पंचायत है उसने क्या किया, विलेज हैज बिल्ट अ वाटर टैंक, उन्होंने पानी का एक बहुत बड़ी टंकी बनाई हुई है, वहां से हमें पानी सप्लाई करते हैं। तो दिस टैंक कनेक्टेड टू ईच हाउस, तो हर एक लोग जो गांव में जो घर है सबके घर के अंदर ये जो टैंक है उसका जो पानी है वो पाइपलाइन सबके थ्रू सबके मोहल्ले के थ्रू जाती है और फिर हर एक घर में वो कनेक्टेड है और उसके जो टैंक है उसकी वजह से वहां पर पानी आता है। नेक्स्ट हमारे दिया हुआ है क्वेश्चन सेकंड नंबर का कि वेयर डू यू नीड टू गो टू फेच वाटर, फेच वाटर मतलब पानी लाने के लिए आप कहाँ पर जाते हो, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग वाटर, और जो पानी लाते हो तब उसमें कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैंने भी उसका आंसर लिखा है कि हम तो यह अभी तक तो नहीं जाते कहीं पर पानी लेने के लिए, क्योंकि हमारे घर के आगे वहाँ पर पानी आ जाता है टैप के थ्रू, जो ग्राम पंचायत ने टैप लगाया हुआ है उसके थ्रू हमारे घर में पानी आ जाता है। तो हम उसका आंसर लिखते हैं कि वी डू नॉट गो टू एनी वेयर टू फेच वाटर, हम पानी लाने के लिए कहीं पर भी जाते नहीं है। वी गेट वाटर रेगुलरली इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, और हमारे घर में सुबह और शाम पानी रेगुलरली आता है। क्योंकि ये क्वेश्चन हमें इसलिए पूछा गया है कि जो पहले के जमाने में जब पानी लाने के लिए तालाब और रिवर के थ्रू रिवर पर जाते थे लोग, तब पानी लाने के लिए बहुत टाइम हो जाता था, इसलिए ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। बट अभी तो ऐसी फैसिलिटीज हमारे पास है कि पानी खुद हमारे घर पे आके जो ग्राम पंचायत वाले वो टैप लगा जाते हैं और फिर पानी हमारे घर पे आता है, इसलिए हमें पानी लाने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ता है। तो बच्चों ये दोनों आंसर आप अपनी वर्कबुक में लिख दो। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर, हमें पानी जो स्टोर करना होता है तो हम क्यों करते हैं। तो उसका आंसर मैंने लिखा है और आपकी स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है कि वी नीड टू स्टोर वाटर बिकॉज, हम जो ये स्टोर करते हैं पानी क्यों करते हैं, बिकॉज वाटर इज अवेलेबल ओनली फॉर शॉर्ट टाइम, जो पानी है वो शॉर्ट टाइम के लिए ही अवेलेबल है, एंड वी नीड वाटर ऑलवेज, और हमें पानी ऑलवेज हर रोज चाहिए पानी, इसीलिए हम लोग उसे स्टोर करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी वर्कबुक में लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन 12 में दिया हुआ है जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन गिविंग रीजन, जो हमें ये क्वेश्चन है उसको रीजन बता के हमें एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वी शुड टेक वाटर फ्रॉम द पॉट विद अ लॉन्ग हैंडल मेटल कप ओनली बिकॉज, तो जो हमारा पॉट होता है जो मटका होता है उसके अंदर से हम पानी लेते हैं, जैसे ग्लास डुबा के पानी लेते हैं वैसे नहीं लेना है। तो यहाँ पर है कि पॉट विद अ लॉन्ग हैंडल मेटल कप, जो लॉन्ग हैंडल मेटल कप आता है उसके साथ ही हमें पानी लेना है, क्यों उसका रीजन हमें बताना है। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है
कि इफ वी डिप अ ग्लास इन द पॉट टू टेक वाटर, जब हम पानी लेने के लिए जो हमारा ग्लास है वो डीप डुबाएंगे पॉट के अंदर, जर्म्स एंड डर्ट फ्रॉम आवर हैंड्स, जो हमारे हाथ में बैक्टीरिया जर्म्स या फिर जो मिट्टी लगी हुई होती है वो, एंड नेल्स वी गो इनटू वाटर, और जो हमारे हाथ में जो हमारे नाखून के अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी लगी हुई है वो भी क्या होगा, जो क्या होगा वो भी सब पॉट के अंदर चला जाएगा और वो पानी के साथ मिक्स हो जाएगा और उसकी वजह से हमें वो गंदा पानी पीना पड़ेगा और गंदे पानी जो पीते हैं हम लोग तो हमें बहुत सारे डिजीज होगी, इससे हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट होगी। इसके आगे बोला है कि व्हेन वी टेक वाटर विद द लॉन्ग हैंडल मेटल कप नथिंग लाइक दिस हैपेंड, जब भी हम जो लॉन्ग हैंडल मेटल कप होता है वो जब पानी के अंदर डुबाते हैं तब ऐसा कुछ भी होने का चांसेस नहीं रहता है। तो इसके आगे आपको लिखना है सो करके, सो वी शुड टेक वाटर फ्रॉम द पॉट विद अ लॉन्ग हैंडल मेटल कप ओनली। आगे आपको थोड़ा सा जो बाकी है वो रीजन पीछे का सो करके आपको लिखना है। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी वर्कबुक में लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद बच्चों हमने फर्स्ट क्वेश्चन दिया, सेकंड क्वेश्चन है कि वाटर इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स इन विलेज डज नॉट रिमेन क्लीन बिकॉज, जो पॉन्ड्स और रिवर्स होते गांव के अंदर वो कभी क्लीन नहीं होते या फिर क्लीन करते नहीं, तो उसका रीजन क्या है। तो यहाँ पर है आंसर है कि विलेज पीपल वॉश क्लोथ्स, जो गांव के पीपल होते लोग होते वो अपने कपड़े भी धोते हैं वहाँ पर, क्लीन यूटेंसिल्स जो बर्तन है वो भी धोते हैं, बाद देयर कैटल, कैटल मतलब जो एनिमल्स वो अपने पास रखते हैं काउ बफेलो गॉड, वो सबको भी नहाने के लिए जो नहाते हैं वो कहाँ पर जाते हैं वो भी वही भरी जाते हैं, ऑन द बैंक्स ऑफ पॉन्ड्स एंड रिवर्स, बैंक्स यानी किनारा जो नदी का और तालाब का किनारा होता है उसकी बात कही है, जो तालाब और नदी के किनारे के पास वो सब क्या करते हैं वॉश क्लोथ्स, वो क्लोथ्स वॉश करते अपने कपड़े धोते हैं, क्लीन यूटेंसिल्स वो क्या करते हैं बर्तन धोते हैं, बाद देयर कैटल और जो अपने जो एनिमल्स होते हैं उनको भी नहाते हैं, फिर ऑन द बैंक्स ऑफ पॉन्ड्स एंड रिवर्स, और जो किनारा होता है तालाब का और नदी का किनारा होता है वहाँ पर ये सब करते हैं, एंड थ्रू गार्बेज इन टू द पॉन्ड्स, और जो गार्बेज होता है मतलब कचरा, जो कचरा होता है वो भी वो कहाँ पर डालते हैं तालाब और नदी में डालते हैं, इसलिए वो कभी वो क्लीन नहीं होती या कभी क्लीन नहीं रहता है। तो इसलिए सो वाटर इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स इन विलेजेस डज नॉट रिमेन क्लीन, वो कभी क्लीन नहीं। नेक्स्ट उसके बाद हमें थर्ड नंबर पे दिया हुआ है कि रिवर्स आर नोन एज लोकमाता बिकॉज, जो हमारे इंडिया में रिवर होती है नदी उसे क्या कहा जाता है लोकमाता। हाँ तो यहाँ पर है कि जो रिवर है इंडिया में उसे लोकमाता क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी कि भारत की जो संस्कृति है उसके हिसाब से केम अप बैंक्स ऑफ रिवर इन द एंशियंट टाइम, बहुत टाइम के लिए वो क्या करते हैं भारत की संस्कृति के हिसाब से वो लोग रिवर जो रिवर का बैंक होता है किनारा होता है वहाँ पर आके पूजा वगैरह वो सब करते हैं। फिर सेकंड में कि रिवर्स प्रोवाइड सफिशियंट वाटर फॉर ड्रिंकिंग, जो पीने के लिए हमें जितना पानी चाहिए उतना पानी जो रिवर है वो हमें प्रोवाइड करती है देती है, फिर कुकिंग खाने के लिए भी देती है पानी, वॉशिंग और नहा धोने के लिए भी पानी देती है एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे काम होंगे उनके लिए भी पानी हमें वहीं से प्रोवाइड होता है। थर्ड है क्या उसके बाद देखे सिंस रिवर्स टेक केयर ऑफ आवर एवरी नीड फॉर वाटर, जो हमारी हर एक नीड है हमारी जरूरत है वो क्या करते हैं पानी जो रिवर है वो पूरी करती है, इसलिए दे आर नोन एज लोकमाता, और इसे क्या कहा जाता है लोकमाता कहा जाता है। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे जो जितने भी क्वेश्चन आंसर दिखाई दे उसमें उनमें से आप अपने आंसर लिख देना। नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ नंबर पे है कि वी शुड नॉट मिस यूज वाटर बिकॉज, हमें पानी का जो मिस यूज करते हैं वेस्ट करते हैं वो नहीं करना चाहिए क्योंकि पानी बहुत प्रेशियस है, इसलिए हमें उसका मिस यूज नहीं करना चाहिए। तो हमने उसका आंसर लिखा है कि वाटर इज अ प्रेशियस नेचुरल वेल्थ, जो बहुत कीमती नेचुरल है कुदरती है पानी
बहुत ही कीमती है। द लाइफ ऑफ द एंटायर लिविंग वर्ल्ड, जो लिविंग एनिमल, जो वर्ल्ड लिविंग है सारे, जो उनके लिए एंटायर लिविंग वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन वाटर, जो लिविंग एनिमल्स है, जो लिविंग प्लांट्स है, वो उनके सबके लिए ये पानी बहुत ही जरूरी है। उनको जीने रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, पानी बहुत जरूरी है। उसके बाद है कि वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। इफ वी वॉन्ट टू सस्टेन आवर लाइफ वी शुड नॉट मिस यूज वाटर, अगर हमें हमारी लाइफ को सस्टेन रखना है तो हमें क्या करना चाहिए, पानी का मिस यूज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन करवाए 12 क्वेश्चन नंबर में। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 पे। यहाँ पर है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉनसून, मॉनसून पे हमें शॉर्ट नोट लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने वो भी शॉर्ट नोट आपको लिख के या पीडीएफ में दी हुई है। देखो यहाँ पर है कि देयर आर 3 सीजन इन इंडिया, हमारे इंडिया में कितनी सीजन है, 3 सीजन, कौन सी। तो यहाँ पर है एक समर, फिर है मॉनसून और है विंटर, ये 3 सीजन। इनमें से हमारी बात कौन सी सीजन की करनी है, मॉनसून। तो यहां पर है कि देयर आर 3 सीजन्स इन इंडिया, हमारे इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर 3 सीजन होती है। मैंने बोल दिया कि समर, मॉनसून और विंटर। उसके बाद है कि इन इंडिया द रेनी सीजन्स स्टार्ट फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर, हमें पानी जो स्टोर करना होता है तो हम क्यों करते हैं। तो उसका आंसर मैंने लिखा है और आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि वी नीड टू स्टोर वाटर बिकॉज, हम जो ये स्टोर करते हैं पानी क्यों करते हैं, बिकॉज वाटर इज अवेलेबल ओनली फॉर शॉर्ट टाइम, जो पानी है वो शॉर्ट टाइम के लिए भी अवेलेबल है। एंड वी नीड वाटर ऑलवेज, और हमें पानी ऑलवेज हर रोज चाहिए पानी, इसीलिए हम लोग उसे स्टोर करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी वर्कबुक में लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन 12 में दिया हुआ है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, एक्सप्लेन गिविंग रीजन, जो हमें ये क्वेश्चन है उसको रीजन बता के हमें एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वी शुड टेक वाटर फ्रॉम द पॉट विथ अ लॉन्ग हैंडल मेटल कप ओनली बिकॉज, तो जो हमारा पॉट होता है, जो मटका होता है, उसके अंदर से हम पानी लेते हैं, जैसे ग्लास डुबा के पानी लेते हैं वैसे नहीं लेना है। तो यहाँ पर है कि पॉट विद अ लॉन्ग हैंडल मेटल कप, जो लॉन्ग हैंडल मेटल कप आता है उसके साथ ही हमें पानी लेना है, क्यों, उसका रीजन हमें बताना है। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है कि इफ वी डीप अ ग्लास इन द पॉट टू टेक वाटर, जब हम पानी लेने के लिए जो हमारा ग्लास है वो डीप डुबाएंगे पॉट के अंदर, जर्म्स एंड डर्ट फ्रॉम आवर हैंड्स, जो हमारे हाथ में बैक्टीरिया, जर्म्स या फिर जो मिट्टी लगी हुई होती है वो, एंड नेल्स वी गो इन टू वाटर, और जो हमारे हाथ में, जो हमारे नाखून के अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो मिट्टी लगी हुई है, वो भी क्या होगा, जो क्या होगा वो भी सब पॉट के अंदर चला जाएगा और वो पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, और उसकी वजह से हमें वो गंदा पानी पीना पड़ेगा, और गंदे पानी जो पीते हैं हम लोग तो हमें बहुत सारे डिजीज होगी, इससे हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट होगी। इसके आगे बोला है कि व्हेन वी टेक वाटर विद द लॉन्ग हैंडल मेटल कप नथिंग लाइक दिस हैपेंड, जब भी हम जो लॉन्ग हैंडल मेटल कप होता है वो जब पानी के अंदर डुबाते हैं तब ऐसा कुछ भी होने का चांसेस नहीं रहता है। तो इसके आगे आपको लिखना है सो करके, सो वी शुड टेक वाटर फ्रॉम द पॉट विद अ लॉन्ग हैंडल मेटल कप ओनली। आगे आपको थोड़ा सा जो बाकी है वो रीजन पीछे का सो करके आपको लिखना है। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी वर्कबुक में लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद बच्चों हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन है कि वाटर इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स इन विलेज डज नॉट रिमेन क्लीन बिकॉज, जो पॉन्ड्स और रिवर्स होते गांव के अंदर वो कभी क्लीन नहीं होती,
या फिर क्लीन करते नहीं, तो उसका रीजन क्या है? तो यहाँ पर है आंसर है कि विलेज पीपल वॉश क्लोथ्स, जो गांव के पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो अपने कपड़े भी धोते हैं वहाँ पर, क्लीन यूटेंसिल्स जो बर्तन है वो भी धोते हैं, बाद देयर कैटल, कैटल मतलब जो एनिमल्स वो अपने पास रखते हैं, काउ, बफेलो, गॉड, वो सबको भी नहाने के लिए जो नहाते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, वो भी वही भरी जाते हैं, ऑन द बैंक्स ऑफ पॉन्ड्स एंड रिवर्स, बैंक्स यानी किनारा, जो नदी का और तालाब का किनारा होता है उसकी बात कही है, जो तालाब और नदी के किनारे के पास वो सब क्या करते हैं, वॉश क्लोथ्स, वो क्लोथ्स वॉश करते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, क्लीन यूटेंसिल्स, वो क्या करते हैं, बर्तन धोते हैं, बाथ देयर कैटल, और जो अपने जो एनिमल्स होते हैं उनको भी नहाते हैं, फिर ऑन द बैंक्स ऑफ पॉन्ड्स एंड रिवर्स, और जो किनारा होता है तालाब का और नदी का किनारा होता है वहाँ पर ये सब करते हैं, एंड थ्रू गार्बेज इन टू द पॉन्ड्स, और जो गार्बेज होता है मतलब कचरा, जो कचरा होता है वो भी वो कहाँ पर डालते हैं, तालाब और नदी में डालते हैं, इसलिए वो कभी वो क्लीन नहीं होती या कभी क्लीन नहीं रहता है, तो इसलिए सो वाटर इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स इन विलेजेस डज नॉट रिमेन क्लीन, वो कभी क्लीन नहीं। नेक्स्ट उसके बाद हमें थर्ड नंबर भी दिया हुआ है कि रिवर्स आर नोन एज लोकमाता, बिकॉज जो हमारे इंडिया में रिवर होती है नदी, उसे क्या कहा जाता है, लोकमाता।